तो मैं रुका हूँ और राम मड़ैया है। हाँ, जैसे ही बारिश कम होगा हम लोग निकलेंगे। हाँ, अभी बारिश का जो रफ्तार है बहुत तेज़ी से है। अरे मानते नहीं, वो उतना क्यों उछड़ते हो बाबू, घायल हो जाओगे ना। उतना मत कूदो, हल्का फुल्का करना चाहिए ना। पापा बोलते नहीं है तुम लोगों के, चोट लग जाएगी ना बेटा, ठीक है, चोट लग जाएगी। उतना मत ऐसे करो एक्शन, ठीक है। और तुम छोटो बड़े होके मना नहीं करते हो इन लोगों को, ठीक है। घूमो, बारिश में नहाओ, ये भी जरूरी है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। तबीयत खराब हो जाएगा, चोट लग जाएगी, ठीक है ना। क्या नाम है तुम्हारा? कितने में पढ़ते हो? अभी स्कूल जाते हो? कहाँ है? इधर बताओ, इधर बताओ। स्कूल क्यों नहीं जाते हो? अभी बंद है ना, तुम लोग की पढ़ाई को काफ़ी नुकसान हुआ है ना। अच्छा एक बात बताओ बाबू, जो ABCD याद था तुम्हें, याद है या भूल गए हो? भूल गए हो? सच बताओ, एक बार ABCD बताओ। ए तुम भी आओ छोटो, इधर आओ। अरे बताओ, ए सुनो बाबू। हाँ देखा आपने, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कई बच्चों से बात किया, लोग बताते हैं कि क्या करें, हम लोग स्कूल बंद हो गया, जो भी याद था हम लोग भूल चुके हैं। तो इस पर वर्तमान सरकार है, काफ़ी गंभीरता से लें और इस पर भी एक बार विचार करें, और क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं, ये बच्चे ही नहीं रहेंगे। क्या है बाबू, तुम लोग क्या चाहते हो? स्कूल खुले, पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहते हो, स्कूल जाना चाहते हो? हाँ। क्या नाम पड़ेगा बाबू? पूरा नाम बताओ। तुम्हारा नाम बाबू? कहाँ पढ़ते हो बाबू? कहाँ में? तुम कहाँ पढ़ते हो? स्कूल का नाम याद है? किस स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा एक बात बताओ, ABCD याद है? सुनाओ तो, सुनाओ, हंसो मत। अच्छा एक बात बताओ, देश का प्रधानमंत्री कौन है, पता है? मुख्यमंत्री कौन है? नहीं, ये भी सब भूल गए, पहले आता था ना। तुम बताओ देश का मुख्यमंत्री कौन है? अरे सॉरी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? पढ़ने नहीं जाते हो, काफ़ी नुकसान हो गया है ना, तो तुम लोगों को काफ़ी नाराजगी है ना। अच्छा कोरोना से डर नहीं लगता है? बहुत डर लगता है। हाँ डर लगता है, इसीलिए तुम मनोरंजन कर रहे हो। हाँ स्कूल तो खुला नहीं है, तो तुम भी लोग खाली हो। स्कूल पढ़ने जाते हो कि नहीं? क्या चाहते हो, स्कूल खुले? पढ़ना चाहते हो तुम? तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि हमारी राय आप लोगों को अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने पेज पे भी। विनम्रता के साथ आप सभी को सादर प्रणाम, मैं हूँ अमित गुप्ता, सच न्यूज जागो चैनल से, धन्यवाद। हम देख रहे होंगे बहुत ही तेज़ी से बारिश हो रही है और काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है, और अब तो यह जो मिट्टी के घर हैं धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, और इस बारिश में एक छोटा सा बच्चा है बकरी चरा रहा है। शायद इस सीन को देखकर आपको अपना बचपन याद आएगा, हम लोग जो भी जब छोटे थे खेलते थे बहुत अच्छा लगता था। मैं आगे बढ़ के दिखाने की कोशिश करूँगा, काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं देख रहे हैं।
हाय, छोटे छोटे बच्चे हैं। शायद इस दिन को देखकर आपको अपना बचपन याद आएगा। भारत हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। अरे चोट लग जाएगी ना। कहाँ जा रहे हो जी बारिश में? बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ है और इस समय पर क्या आप लोग भी इस तरह बचपन में करते थे? जो बचपना होती है कहाँ कह जाए, हम लोग भी अपने बचपन को याद कर रहे हैं। और ऐसे ही बारिश पड़ती थी तो हम लोग भी खेलते थे, काफ़ी अच्छा लगता था। हम लोग लड़ाई झगड़ा भी करते थे। अरे गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। आप देख रहे होंगे मैं कई बार से बच्चों को मना कर रहा हूँ, मान नहीं रहे हैं लोग। मैं वीडियो बना के इन लोगों को डरा रहा हूँ। तो सर ठीक है, मनोरंजन भी होना चाहिए, लेकिन अब बच्चे हैं। अरे छोटू मान जाओ। काफ़ी कभी से लोग खेल रहे थे तो शायद मैं बैठा था बारिश में, हम लोग रुके हैं, सोचा एक वीडियो बनाऊं। और अभी तो दौड़ रहे थे तो हल्का फुल्का कर रहे थे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन ये जो कर रहे हैं आज शायद डर लग रहा है, ये चोट लग जाए तो काफ़ी इन्हें नुकसान हो सकता है। बाबू ये मत करो। अरे मान जाओ भाई। ओए छोटो, ये हमेशा करते हैं क्या बाबू ऐसे ही? हाँ। इनके घर वाले लोग पापा मम्मी बोलते नहीं हैं?
चोट लगेगी अभी उसको। तुम लोग भी आओगे वीडियो में? यह जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हीं लोगों के घर पे मैं रुका हूँ, और राम मड़ैया है। हाँ, जैसे ही बारिश कम होगा हम लोग निकलेंगे। हाँ, अभी बारिश का जो रफ्तार है बहुत तेज़ी से है। अरे मानते नहीं, उतना क्यों उछड़ते हो बाबू, घायल हो जाओगे ना, उतना मत कूदो, हल्का फुल्का करना चाहिए ना। पापा बोलते नहीं है तुम लोगों के? चोट लग जाएगी ना बेटा, ठीक है, चोट लग जाएगी, उतना मत ऐसे करो एक्शन, ठीक है। और तुम छोटो बड़े होके मना नहीं करते उन लोगों को? ठीक है, घूमो, बारिश में नहाओ, ये भी जरूरी है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है, तबीयत खराब हो जाएगा, चोट लग जाएगी, ठीक है ना। क्या नाम है तुम्हारा? कितने में पढ़ते हो? अभी स्कूल जाते हो? कहाँ है? इधर बताओ, इधर बताओ, स्कूल क्यों नहीं जाते हो? अभी बंद है ना, तुम लोगों की पढ़ाई को काफ़ी नुकसान हुआ है ना। अच्छा एक बात बताओ बाबू, जो ABCD याद था तुम्हें, याद है या भूल गए हो? भूल गए हो, सच बताओ, एक बार ABCD बताओ। ए तुम भी आओ छोटो, इधर आओ। अरे बताओ, ए सुनो बाबू। हाँ देखा आपने, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कई बच्चों से बात किया, लोग बताते हैं कि क्या करें, हम लोग स्कूल बंद हो गया, जो भी याद था हम लोग भूल चुके हैं। तो इस पे वर्तमान सरकार है, काफ़ी गंभीरता से लें और इस पे भी एक बार विचार करें, और क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं, ये बच्चे ही नहीं रहेंगे। क्या है बाबू, तुम लोग क्या चाहते हो, स्कूल खुले, पढ़ना चाहते हो? हाँ। पढ़ना चाहते हो, स्कूल जाना चाहते हो? हाँ। क्या नाम पड़ेगा बाबू? पूरा नाम बताओ। तुम्हारा नाम बाबू? कहीं पढ़ते हो बाबू? कहीं में? तुम कहीं पढ़ते हो? स्कूल का नाम याद है? किस स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा एक बात बताओ, ABCD याद है? सुनाओ तो, सुनाओ, हंसो मत। अच्छा एक बात बताओ, देश का प्रधानमंत्री कौन है, पता है? मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं, ये भी सब भूल गए, पहले आता था ना। तुम बताओ देश का मुख्यमंत्री कौन है? अरे सॉरी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? पढ़ने नहीं जाते हो, काफ़ी नुकसान हो गया है ना, तो तुम लोगों को काफ़ी नाराजगी है ना। अच्छा कोरोना से डर नहीं लगता है? बहुत डर लगता है। हाँ डर लगता है, इसीलिए तुम मनोरंजन कर रहे हो। हाँ स्कूल तो खुला नहीं है, तो तुम भी लोग खाली हो, स्कूल पढ़ने जाते हो कि नहीं? क्या चाहते हो, स्कूल खुले, पढ़ना चाहते हो तुम? तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि हमारी राय आप लोगों को अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने पेज पे भी। विनम्रता के साथ आप सभी को सादर प्रणाम, मैं हूँ अमित गुप्ता, सच न्यूज जागो चैनल से, धन्यवाद।